संगरिया से विधायक अभिमन्यु पुनिया हमारे साथ इस समय मौजूद हैं। अभिमन्यु जी, आज का ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, इसके अंदर क्राउड फंडिंग की आपने बात करी है, बाढ़ से प्रभावित देश के जो भी इलाके हैं उसके लिए क्या करना? देखो, पूरे देश भर में जो त्रासदी हुई पिछले 20 दिनों में, 25 दिनों में, और पूरे राजस्थान में जिस प्रकार से इस बार किसान की फसल का नष्ट होना, उनके मकान ढह गए, आम गरीब मकान जो कि पूरे गांव के अंदर बीपीएल परिवार से नीचे के जो लोग हैं, जो अपने पूरे जीवन की कमाई उन्होंने मकान बनाने में, घर बनाने में लगाई और उनके घर ढह गए, उनको मनाने का काम, उनको सहूलियत देने का काम युवा कांग्रेस के साथी करेंगे। और वायनाड से लेकर पूरे देश भर में जहाँ जहाँ त्रासदी से आम गरीब किसान परिवार के घरों का नुकसान हुआ, उनके घर का सपना पूरा करने का युवा कांग्रेस SOS IYC की क्राउड फंडिंग के द्वारा ब्लॉक स्तर से राज्य स्तर तक हम करके इसको सहूलियत देने का काम हम सब लोग करें। फंड जुटाने का भी कुछ आपने लक्ष्य रखा? देखो, पूरे राजस्थान बहुत बड़ा प्रदेश है, यहाँ से कम हम बड़ी संख्या के अंदर देश को भी मदद करेंगे और यहाँ राजस्थान के जो आम किसान गरीब परिवार नुकसान हुआ है उनमें अधिक से अधिक संख्या में उनको हम मदद करने का प्रयास करेंगे। 100 से ज़्यादा मकान का टारगेट हमारा पूरे राज्य भर में है। एक विशेष बात आपसे पूछना चाहूँगा कि जो हमने अभी पोस्टर भी देखे जो लॉन्च है, उसमें वायनाड, असम, उत्तराखंड, हिमाचल, कई जगहों के नाम है, लेकिन राजस्थान से फंड जुटाने की बात करें, राजस्थान के उन पोस्टरों में नाम नहीं है। बिल्कुल, राजस्थान का उनमें आज राजस्थान की प्रेस कॉन्फ्रेंस है और राज्य युवा कांग्रेस के द्वारा हमने रखी गई है, वो दूसरे राज्यों की जो प्रेस नोट है उसमें दूसरे राज्यों के नाम आपको दिए गए हैं, ताकि ये पूरे देश भर में SOS IYC का क्राउड फंडिंग का जरिया चल रहा है, उसकी लॉन्चिंग आज हमने हुई है, लेकिन दिल्ली के अंदर इसकी लॉन्चिंग आज से 5 दिन पहले हो चुकी है। भाजपा के राजस्थान प्रभारी से भी कुछ शिकायतें आपके द्वारा सुनी गई? वो भाजपा के राजस्थान के प्रभारी हैं, शायद वो उनका दिमाग ठिकाने नहीं है। जिस प्रकार के बयान उन्होंने दिए हैं वो बयान बिल्कुल अशोभनीय है। देश के नेता जिन्होंने संचार क्रांति के जनक है, जो आज सोशल मीडिया, मोबाइल जो भाजपा यूज कर रही है, जिसके दम पर उन्होंने आज सरकारें बनाई थी, आज उसका उस नेता को उन जो बोलना और देश के युवा सचिन पायलट जी के बारे में बोलना, राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री जी के बारे में बोलना, राधा मोहन जी को कोई शोभा नहीं देता और उनको अपनी पार्टी के गिरेबान में झांकना चाहिए। उनके मंत्री भाग रहे हैं, किसी को हेलीकॉप्टर नहीं मिल रहा है, कोई किसान आम गरीब पर कोई मुआवजे की बात नहीं कर रहा है, उनके प्रभारी मंत्री जिलों में नहीं जा रहे हैं, तो इसकी कौन सोचेगा? आप दूसरी पार्टी के बजाय अपने गिरेबान में जाके, और प्रभारी मंत्री एक बहुत बड़ा प्रभार होता है बड़ी पार्टी का, लेकिन इस तरीके का बयान शोभा नहीं है। युवा कांग्रेस इसका लगातार विरोध रखेगा और सड़क से लेकर इसको घेरने का काम हम सदन तक करेंगे। पुनिया जी, एक विशेष बात ये भी है, राजस्थान के जो भाजपा के प्रभारी हैं, अभी करीब करीब 8 महीने भाजपा की सरकार को हुई है, पिछली सरकार की अगर बात करें तो 18 महीने का अगर हम टेन्योर देखें, 1 साल कांग्रेस सरकार का, 8 महीने भाजपा सरकार का, तो दोनों ही सरकारों में जो प्रभारी थे वो राजस्थान से नहीं थे, और दोनों ही प्रभारियों के बयान से वर्तमान सरकार को या उनके नेताओं को कुछ मुश्किलें देखने को मिली। देखो, उन वो तो CM साहब के बारे में भी उन्होंने जो बयान दिए हैं, बिल्कुल उन पर कार्रवाई तो भाजपा पार्टी के राजस्थान का जो मुख्य होता है वो एक प्रकार मुख्यमंत्री होता है, उन वो खुद ऐसे महसूस प्रभारी से करते हैं, तो आप देखो कैसे राजस्थान चलेगा, सरकार कैसे चलेगी और सरकार आम गरीब किसान परिवार की क्या योजनाएं सोचेगी, आज इस बात पर बड़ा सवाल है। राजस्थान की जनता ने भाजपा को मैंडेट दिया, लेकिन किसान आम गरीब परिवार के लिए, अपने भले के लिए दिया, लेकिन अब राजस्थान की जनता ऊब चुकी है सिर्फ 8 महीने में, और आने वाले समय में जवाब देने के लिए तैयार है देश और राजस्थान में। आखिरी सवाल, उपचुनाव की कसौटी में कैसे? उपचुनाव में कांग्रेस अधिकांश सीटें जीतेगी और गठबंधन का निर्णय आलाकमान करेगा, जो युवा कांग्रेस को जिम्मेदारी आलाकमान देगा वो युवा कांग्रेस अपने निभाने में भूमिका निभाएगा। ये थे हमारे साथ अभिमन्यु पुनिया जी, संगरिया से विधानसभा के सदस्य, विधायक, और सीधी सी बात है, इनका साफ तौर पर कहना है कि क्राउड फंडिंग जुटाई जाएगी जितने भी राज्यों में बाढ़ से जो नुकसान हुआ है उस जनता के लिए, उस जनता के घरों के लिए। और राजस्थान के भाजपा प्रभारी के बारे में पुनिया जी का साफ तौर पर ये कहना है कि उनके द्वारा दिया गया बयान बिल्कुल भी हम कह सकते हैं कि सम्मान के दायरे में नहीं था। जो बड़े जो कांग्रेस के नेता हैं, भले ही स्वर्गीय राजीव गांधी हो, सचिन पायलट हो, राहुल गांधी हो, उनके लिए जो बयान राजस्थान के भाजपा प्रभारी द्वारा दिया गया है वो अशोभनीय है, कहीं से भी वो सही नहीं ठहराया जा सकता। उपचुनाव की कसौटी पर अभिमन्यु पुनिया का साफ तौर पर कहना है कि राजस्थान के 6 जो उपचुनाव जो आगामी होने वाले हैं उनमें कांग्रेस खरा उतरेगी और यूथ कांग्रेस को जो भी जिम्मेदारी आलाकमान के द्वारा दी जाएगी वो ज़रूर पूरा किया जाएगा। सहयोगी कैमरामैन अजय के साथ उमंग माथुर, जनता दरबार।